दोस्तों, रतन टाटा जी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें एक चीज बहुत साफ तरीके से लिखी हुई थी, अगर एक सफल व्यक्ति सफल हुआ है तो उसके पीछे कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है। यह साथियों, आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो कंसिस्टेंसी की 5 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो सबसे पहले शुरुआत करनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप सफल होना चाहते हैं उसको क्लियरली डिफाइन कर लीजिए, सेट कर दीजिए उस एरिया का टारगेट जिस सेक्टर में आपको सक्सेसफुल होना है। नंबर 2, उनके साथ रहना स्टार्ट करिए जो उस फील्ड के मास्टर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में आप चलना शुरू कर दीजिए, उनकी एसोसिएशन, उनकी संगत का असर आप पर ज़रूर होगा, तो उस संगत में रहना स्टार्ट करिए जिस फील्ड में आप मास्टर करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नंबर 3, धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करना स्टार्ट करिए। विजुअलाइजेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस टारगेट को लिखकर अपने घर में स्टिक कर दीजिए, चिपका दीजिए, सो दैट आपको बार बार वो याद आते रहे। उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन सेट कर सकते हैं सो दैट कि आपको आपका टारगेट, आपका मिशन याद रहे और आप उन चीज़ों को बार बार दोहराते रहे सो दैट आप अपने आप को उस चीज़ को भूलने का मौका ना दें। क्योंकि अगर आपको अच्छा आउटपुट निकालना है तो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देना, ये अफर्मेशन के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से आसान है, सो दैट जब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को भूलने लगे तो वो आपको बार बार याद आ सके। ओके, तो इस स्टेप का इस्तेमाल करिए। अगली स्टेप में जो आपको बता रहा हूँ वो है एक्शन लेना, दैट इज व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो आप एकदम से अपने माइंड को इतना बड़ा टारगेट देकर अगर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपका माइंड विरोध करेगा और एक्शन लेने से वो अपोज करेगा। ओके, तो आपको स्टार्ट करना है स्मॉल स्टेप से। यस माई डियर फ्रेंड, छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो 10 मिनट से शुरुआत करिए। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं 10 मिनट से शुरुआत करिए, सो दैट आपके माइंड में ऐसा लगे ना कि वो एफर्ट्स ले रहा है। धीरे 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 आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे और कंसिस्टेंटली एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ को एज अ हॉबी, एज अ प्रैक्टिस मास्टर कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट टिप है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में वैसे डेवलप करना चाहते जैसे आपका टारगेट है और वो गोल अचीव करना चाहते जो आपने माइंड में सेट किया है, जो आपने विजुअलाइज किया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वैसे रहना स्टार्ट करिए। अपने रहन सहन में पूरी तरह कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में आने की शुरुआत कर दीजिए सो दैट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को अचीव कर पाए। पूरा का पूरा आपका फ्रेमिंग जो है, आपका जो कंसिस्टेंसी है, आपके टारगेट की तरफ, आपके मकसद की तरफ पूरी तरह न्योछावर हो जाए। ओके, इन सारे फार्मूलेज को यूज़ करिए। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।